फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट वाली दो वर्त की ऐसी रेसिपी जो कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। वो है साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना घी। देखो फ्रेंड्स, ये कितनी जल्दी से बन जाती है, विद इन 5 मिनट्स। दे चलो फ्रेंड्स, मेरे साथ बनाते हैं ये दो आसान से मुंह में घुल जाने वाली रेसिपीज़। हम एक पैन लेंगे, पैन में 2 गिलास फुल क्रीम दूध डाल लेंगे और उसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है, हम एक सेकंड पैन लेते हैं। सेकंड पैन को हम गैस पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब हमारा ये पैन सेकंड पैन गर्म हो जाता है, तब हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डालने के बाद हम फ्रेंड डालने वाले हैं इसमें हम अपने फेवरेट नट्स, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं अपनी फेवरेट साबूदाना की खीर। उसके लिए मैंने अपने फेवरेट नट्स लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश। उसके लिए हम मैंने 3 से 4 बादामों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसको हम मीडियम आंच पर 1 या 2 मिनट के लिए रोस्ट कर रहे हैं, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें हम थोड़े से अपने काजू डाल देते हैं, 3 या 4 काजू भी डाल देते हैं। अब इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाएगा फ्रेंड्स, तब हम इनमें एक अपनी किशमिश डालेंगे। किशमिश तो फ्रेंड्स आपको पता ही है वो कितनी जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो हमने हल्का सा कुछ ही सेकंड्स के बाद ये किशमिश डालते ही निकाल देना है कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद। अब हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को अपने इस घी से निकाल लेंगे। इसी घी में अब हम अपना 1 कटोरी साबूदाना यूज़ करेंगे। साबूदाना हमने पहले से ही 1 कटोरी 4 to 5 आवर के लिए भिगो कर रखा था, 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था हमने 1 कटोरी। अब वो फूल के डबल क्वांटिटी में हो गया, तो उसमें से भी हमने सिर्फ 1 कटोरी यूज़ की है अपनी साबूदाना की खीर बनाने के लिए। अब इसको हम हल्का सा इसी देसी घी में रोस्ट करेंगे अपने साबूदाना के लिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जैसे ही हमने घी में डाला, उसके बाद साबूदाना का कलर चेंज हो रहा है और ये हल्का हल्का सा स्टिकी भी हो रहा है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसमें मिल्क डालेंगे, ये स्टिकीनेस भी इसका चला जाएगा। एक एक साबूदाना का दाना हमें अलग अलग खीर में दिखाई देगा, आप देखते जाओ फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, फ्लेवर अच्छा आता है कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद। अब इसमें हमने जो हमारा उबला हुआ दूध था ना, अब वो हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। वो कितना हमें 2 गिलास था और फुल क्रीम था, उसमें आपको क्रीम भी नज़र आ रही है, हल्के से परत आ गए थे मलाई के, जो मैंने अच्छे से हिला के अपने इसमें डाल दिया। अब हम इसका उबलने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें 1 या 2 बॉयल आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना कि हर एक जो साबूदाना का दाना है वो खिला खिला होता जा रहा है। जैसे ही उबाल आएगा, हर एक जो स्टिकीनेस थोड़ा आया था वो सब कुछ चेंज होके एक एक दाना हमारे साबूदाना का अलग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब हम इसके साथ ही दूसरी रेसिपी की तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब तब तक इसका वेट, इसमें जो बचे हुए वो थे ड्राई फ्रूट्स थे, हम वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें इसमें थोड़ी सी फ्लेवर के लिए हम डाल सकते हैं आपका जैसा मन करे। यहाँ पर मैंने डाला है 2 इलायची को अच्छे से रोस्ट कर, अच्छे से हमने कूट लिया था उसको, हमने उसके हिसाब से कूट के इसमें डाल दिया, अच्छे से पीस के डाल दिया है 2 इलायची को, 2 छोटी इलायची को। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें और हमें व्रत में तो बहुत अच्छा लगे। देखो फ्रेंड्स, ये उबाल आने के साथ साथ कितनी गाढ़ी भी होती जा रही है, इसकी थिकनेस भी चेंज हो गई है हमारी, उसके ये अप्रोक्सीमेट बनने के लिए रेडी, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स में बन जाती है। अब ये रेडियस को हम थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, 1 या 2 मिनट्स के लिए ऐसे एक साइड में उबलता हुआ छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अपना शक्कर डालेंगे। शक्कर के लिए फ्रेंड्स, वैसे आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ पर हमेशा हर एक डिश में देसी खांड यूज़ की जाती है, इसलिए मैंने इसमें 2 to 3 स्पून देसी खांड के डाले, उसको अच्छे से मिला दिया है। अब इस देसी खांड डालने के बाद भी हमें इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे और थोड़ा सा उबाल आएगा, ताकि वो जो स्वीटनेस है वो अच्छे से हर एक एक दाने में चली जाए। वो स्वीटनेस हमें बहुत ही अच्छी लगती है। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो ये खीर है कितनी अलग हो गई, कितने कैसे कितना अच्छे से वो हो रही है, पक रही है, उबल रही है। देखो हर एक दाना कितना अच्छा अच्छा खिला खिला है। अब ये बन के बिल्कुल रेडी। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि ये कितनी अच्छी है। इसमें एक हल्की सी येलो सी परत आ जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें घर का बना हुआ देसी घी यूज़ किया है ना,
तो उसे एक हल्के से याद, और ये जो मिल्क है ये भी फुल क्रीम है, वो भी काओ का है, तो उसकी वजह से ही येलो येलो सी नज़र आएगी। फ्रेंड्स हमारी खीर तो बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, वो है हमारी साबूदाना की खिचड़ी। उसके लिए हम क्या, एक कढ़ाई में हम अपने 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फास्ट में देसी घी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी ऑयल से वैसे भी हैवी हो जाता है। तो हम इसमें लेंगे अपना देसी घी 2 टेबल स्पून। अब देसी घी जब मेल्ट हो जाता है उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अपना 1/2 टेबल स्पून जीरा। यदि फ्रेंड्स आप जीरा नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स इसमें इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी स्प्लिट करी हुई हरी मिर्ची। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हो जो मैंने स्किप किया है, क्योंकि मुझे अदरक थोड़ा अच्छा नहीं लगता था इसमें, तो मैंने इसमें अदरक नहीं डाला है। आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची डाली है, इसमें मैंने हरी 2 मिर्चियों को मैंने बारीक बारीक काट के इसमें अपने डाल दिया जब तक ये जलती। इसमें मैंने 1/2 टमाटर भी डाला है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यदि आप टमाटर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहते तो मत डालिए फ्रेंड्स जब तक ये होते हैं। तो इसमें हम आपने डाल देते हैं 1 बॉईल करा हुआ आलू के छोटे छोटे पीस करके डाल देते हैं। जब तक ये क्रिस्प हो रहे हैं फ्रेंड्स हम दूसरी साइड क्या करते हैं, हमने मूँगफली ली है, मूँगफली को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद हमने उसको कोर्स पीस लिया है, और जो कि हमें अपने इसमें डालना है खिचड़ी में, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ये जो मूंगफली होती है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने वो प्रोसेस पहले से ही करके रखा था ताकि मैं आपको झटपट बना के दिखा सकूँ। मैंने कोर्स पीस रखा है अपनी मूंगफली को रोस्ट करके, हल्का सा रोस्ट करके विदाउट घी के। आप चाहो तो आप वैसे भी ले सकते हो मूंगफली को जो कि बाज़ार से मिलती है रोस्ट की हुई, उसको भी हल्का सा कोर्स पीस के। देखो फ्रेंड्स हमने इसमें 2 टेबल स्पून कोर्स पीसा हुआ मूंगफली डाल दी है। अब मूंगफली को हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो साबूदाना 1 कटोरी रखा था, हमने खीर में 1 कटोरी की खीर बनाई है और 1 कटोरी की हम खिचड़ी बना रहे हैं, उसको भी हम अपने इसमें डाल देते हैं। इसमें और हल्का सा नमक भी डालेंगे फ्रेंड्स। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छा सा मिलाएंगे। इसको जस्ट आधा मिनट के लिए ही मिलाते हैं, इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होने लग जाता है, ये जो बॉल्स हैं वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट होने स्टार्ट कर जाते हैं। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको नमक डालना भूल गई दिखाते हुए, मैंने बट इसमें नमक भी ऐड कर लिया था। अब ये बिल्कुल बन के रेडी, अब हमने इसको सर्व भी कर दिया। फ्रेंड्स हमारी दोनों रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है, चलो आइए इसका एंजॉय करते हैं। व्रत में नवरात्रि व्रत में ये बहुत ही स्पेशल होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक का बटन बिल्कुल भी प्रेस करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।